लेड एसिड रिचार्जेबल बैटरी के रूप में लंबे समय से काम करने वाले लेड एसिड बैटरी ने अभी तक ऑटोमोबाइल के लिए पसंदीदा स्टार्टर और गोल्फ कार्ट के लिए शक्ति स्रोत के रूप में अपना स्थान नहीं खोया है। हालांकि अधिक उपयोग के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी आप बड़े स्कूटरों में इनमें से बहुत सारी वजनदार और बहुत सस्ती लेड एसिड बैटरी पाएंगे। लेड एसिड बैटरी लिथियम आयन बैटरी की तुलना में बहुत सस्ती होती है, लेकिन इनमें चार कमियां भी है। एक, अधिक वजन। दो, बड़ा साइज। तीन, चार्जिंग टाइम। चार, काम रेंज। लेड एसिड बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए 6 से 10 घंटे का समय लगता है और ड्राइविंग रेंज भी काम होती है। लिथियम आयन बैटरी ई स्कूटर के लिए सबसे नई बैटरी तकनीक भी सबसे महंगी है, लेकिन बहुत अच्छे कारणों से। लिथियम आयन तकनीक अधिक शक्तिशाली है, लीड एसिड या NIMH की तुलना में कहीं अधिक चार्ज रखती है और ऐसा अधिक हल्के वजन के साथ करती है। अधिक रेंज एंड स्पीड वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर में इन बैटरियों का इस्तेमाल हो रहा है और